जो आपको पीछे दिख रहा है वो है सास का मंदिर, जो विष्णु भगवान को समर्पित रहा है। और ये है बहु का मंदिर, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। और इधर आप देखेंगे तो ये रहा सुंदर ग्वालियर शहर, दूर दूर तक फैला। तो ये आप देख रहे हैं सहस्त्रबाहु मंदिर। ये देखा जाए तो ये दो मंदिरों को मिला के कहा जाता है। और इसका यहाँ पे नाम जो है सहस्त्रबाहु मंदिर बोलते हैं। कहते ही हैं कि कच्छप घात के राजा जब यहाँ पे राज करते थे, तब जो सास थी वो विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानती थी, और जो बहू थी वो शिव जी को अपना इष्ट मानती थी। तो जैसा कि कहते हैं कि सास बहू में 36 का आंकड़ा रहता है, तो दोनों के मंदिर को लेके भी उनमें आपस में कुछ मतभेद हुए। तो जो राजा था उन्होंने ये एक बड़ा मंदिर बनाया अपनी माँ के लिए, जो सास के नाम से, सास के मंदिर के नाम से फेमस हुआ। और उसने अपनी बीवी के लिए ये शिव जी का मंदिर बनाया, जो बहू के नाम से हुआ। और इस दोनों को कम्बाइंड रूप से सास बहू का मंदिर कहा जाता है। वैसे तो ये सहस्त्रबाहु मंदिर है, इसमें विष्णु जी के 1000 भुजाओं के बारे में विवरण किया गया है। इसकी दीवारों पे आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार कारीगरी की गई है, पत्थरों पे बहुत बहुत करे गए। मंदिर दिखाते हैं, सास का मंदिर। सामने है बहू का मंदिर, जो शिव जी को समर्पित था। तो ये अभी आपको सामने मैंने दिखाया सास का मंदिर, और ये है बहू का मंदिर।